आप देख रहे हैं डी एन नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, डे नाइट न्यूज के हरियाणा के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव चक्रवर्ती। एसजीवीसी मुद्दे को लेकर लगातार अकाली दल केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है। इसी को लेकर आज पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि केंद्र हरियाणा में नए राज्यपाल की नियुक्ति से पहले कोई कदम नहीं उठाना चाहता। वहीं अकाली नेता भी नए गवर्नर से मुलाकात कर उनके सामने ये मुद्दा उठाएंगे और उन्हें राज्य सरकार के फैसले की समीक्षा करने को कहेंगे। वहीं केंद्र भी इस मुद्दे पर नए गवर्नर से रिपोर्ट तलब करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एसजीपीसी मामले में हरियाणा और पंजाब सरकार को अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय ने आईबी से मिली जानकारी के बाद यह अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक असामाजिक तत्व इस मामले का अराजकता फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्र ने दोनों राज्यों को सतर्कता बरतने को कहा है और संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की बात कही है। हरियाणा में अलग एसजीपीसी एक्ट के खिलाफ हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। याचिका में कहा गया है कि हरियाणा विधानसभा को कमेटी संबंधी ये बिल पास करने का कोई अधिकार नहीं है। एचएसजीपीसी का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। शुक्रवार को हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के गठन पर फतेहगढ़ साहिब के वकील राम सिंह सोमन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ केंद्र सरकार ही सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 को संसद में लाकर इसमें कुछ बदलाव कर सकती है। याचिका में केंद्र सरकार, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब सरकार के अलावा एसजीपीसी, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और चंडीगढ़ प्रशासन को प्रतिवादी बनाया गया है। फिलहाल मामले की सुनवाई सोमवार को होनी है। ये जो इशू है, ये श्रोमणी गुरुद्वारा मैनेजिंग कमेटी का, ये सिर्फ एक सेंट्रल एक्ट द्वारा बनी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अथोराइज्ड है, कंपीटेंट है, वही इनू जो पास कर सकती है, वो अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है, जां उन्हें डिलीट कर सकती है, जां बाइफरकेश कर सकती है। दूसरी जी कोई भी गवर्नमेंट है उन्होंने कोई राइट नहीं है, क्योंकि जी श्रोमणी कमेटी बनी सी 1925 के, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूटी के जी एप्लीकेबल जिन्हें भी गुरुद्वारे है, तो ये किसी क्योंकि एक तो वध प्रोविंस ये इनवॉल्व आ और इंटरस्टेट बॉडी कारपोरेट है, ये किसी भी एक कोई पावर नहीं है कि वो जो बाइफरकेट कर सके जनू अमेंड कर सके। हरियाणा में अलग एसजीपीसी एक्ट को लेकर पहले ही पंजाब और हरियाणा सरकार आमने सामने हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 को खत्म करने की रणनीति तैयार करने के लिए 27 जुलाई को अमृतसर में सभी सिखों का एक महासम्मेलन करने जा रहे हैं। वहीं बिल के समर्थन में हरियाणा के सिख भी 28 जुलाई को करनाल में सिख महासम्मेलन करने की घोषणा कर चुके हैं। हाल ही में गठित हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से जुड़ा विवाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हरियाणा सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने बनाए गए एक्ट को रद्द करने की मांग की है। अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी है। कैमरामैन अमनदीप के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केंद्र सरकार को साफ तौर पर कह दिया है कि वो हरियाणा में अलग एसजीपीसी को लेकर संघर्ष नहीं रोकेंगे। बादल ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार से उनकी टेलीफोन पर बात हुई है और उन्होंने भी उनसे कहा है कि वो हर हाल में अपना संघर्ष जारी रखें। टेलीफोन ते
गल तो उन्होंने दसा जी भी असी कोई सानू संघर्ष कर चा नहीं हों जी ज्यादती हुई है जी कि अनबेरेब है। चलो छोड़ो आप भाई मैं किसी नु रोक सकता असी तो अपना व्यू पॉइंट दस रहे संविधान के खिलाफ कला इन्होंने नहीं इन्होंने जी इन्होंने नहीं अटॉर्नी जनरल हिंदुस्तान का उन्हें भी कह गैर संविधानिक। हरियाणा में अलग एसजीपीसी का विरोध करने और सिख समुदाय को एकजुट रखने के प्रयास के चलते एसजीपीसी सदस्यों और सिख जत्थेबंदियों की तरफ से स्थानीय गुरुद्वारा नारा साहिब के आसपास और शहर के अन्य विभिन्न स्थानों पर पंजाबी भाषा में होर्डिंग लगाए जा रहे हैं जिन पर हुड्डा सरकार का सिख कौम के साथ बड़ा फरेब और श्री अकाल तख्त साहिब सिखों के लिए शक्ति का स्रोत को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा ये बातें लिखी गई हैं। हरियाणा में अलग से एसजीपीसी के विरोध में एसजीपीसी सदस्यों द्वारा पंचकुला में गुरुद्वारा नारा साहिब के जूता घर के नजदीक गुरुद्वारा नारा साहिब की मुख्य सड़क और शहर के विभिन्न चौकों पर कई स्थानों पर पंजाबी भाषा में लिखे हुए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स पर एक तरफ जहां श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर की फोटो लगी हुई है वही होर्डिंग्स पर लिखा हुआ है कि हरियाणा की हुड्डा सरकार द्वारा सिखों के साथ बड़ा फ्रेप किया जा रहा है और हरियाणा की अलग एसजीपीसी के नाम पर कंपनी एक्ट पास किया गया है और इस एक्ट के तहत गुरुद्वारों की कमाई का सारा पैसा सरकारी खजाने में जमा हो जाएगा। होर्डिंग से बताया गया है कि इस तरह से गुरुद्वारों के वजीर कीर्तनिये और कौम के प्रचारक सरकारी नौकर बन जाएंगे। हुड्डा सरकार द्वारा अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए सिख समुदाय को बांटने की कोशिश की जा रही है। वहीं गुरुद्वारा नाड़ा साहिब में मौजूद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड अमृतसर के चेयरमैन वीर सिंह लौपिक ने कहा कि अब ये होर्डिंग पंजाबी भाषा में लगाए गए हैं लेकिन हिंदी भाषा में भी ये होर्डिंग पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उनके इस नापाक कदम के लिए कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। इनके मुताबिक जिसने भी अकाल तख्त के साथ धोखा करने की कोशिश की है उसे उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। साड़ा हक क्या असी मंगना है ठोक बजा के मंगना जदों भी इस काम दे विच किसी ने दखलंदाजी की है जदों भी किसी श्री अकाल तख्त साहब जी ने जिन्हें भी किसी ने मथा लाया वो अज तक उस अड़ नहीं सके क्योंकि तुसी पिछे भी झाती मार के वेख लो इंदिरा गांधी ने भी साढ़े वधीकी की जो साढ़े गुरधामों के उत्ते हमला होवे सिख कौम बर्दाश्त नहीं करती। वहीं श्रोमणी अकाली दल के महासचिव रवि सिंह ने कहा है कि गुरुद्वारे सिख समुदाय को अपनी जान से भी प्यारे हैं उनकी रक्षा के लिए हर सिख कुर्बानी देने को तैयार है। रवि सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार की इस राजनीति का शांति से विरोध किया जाएगा लेकिन कांग्रेस को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। हरियाणा की हुड्डा सरकार है इन्हें एक बहुत सिख कौम के उपर गलत काम किया है। साढ़े जो धार्मिक स्थान है सब तो वड्डी साड़ी अंतरराष्ट्रीय पद्धर देते नुमाइंदा जमात है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी बहुत वड्डिया कुर्बानिया के नाल बनी है और उसनू इसने तोड़ दिता है। एसजीपीसी सदस्यों और सिख जत्थेदारों द्वारा इस होर्डिंग के माध्यम से अपील की गई है कि श्री अकाल तख्त साहिब जो सिखों के लिए शक्ति का स्रोत है उसे कभी कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए हुड्डा की साजिश के खिलाफ एक बड़ी लहर चलाकर इस सरकारी नीति का विरोध करें और सिखों की आजादी को बरकरार रखें। हरियाणा सरकार द्वारा अलग से एचएससीपीसी के गठन किए जाने के विरोध में एसजीपीसी द्वारा नाडा साहिब व आसपास के गुरुद्वारों में होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं जिसमें हुड्डा सरकार द्वारा सिख कौम के साथ फ्रेप किए जाने की बात लिखी गई है और साथ ही सिख समुदाय को एकजुट रहने की अपील भी की गई है। कैमरामैन विनय भारद्वाज के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज, पंचकुला। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज जींद में नई यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। ये यूनिवर्सिटी उनके पिता चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के नाम पर रखी गई है जिसे लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने अपना विरोध जताया और सीएम की रैली के दौरान काले झंडे दिखाने की कोशिश भी की लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके मंसूबों को पूरा होने नहीं दिया।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घोषणाओं का सिलसिला जारी है। इसी के मद्देनजर हुड्डा जींद पहुंचे और कई घोषणाएं की। इस मौके पर सीएम ने जींद में नई यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, जिसका नाम उनके पिता चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के नाम पर रखा गया है। इस दौरान सीएम ने गाँव के विकास के लिए भी कई वादे किए। इस मौके पर हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता पुक्कल और पीडब्ल्यूडी मंत्री रणदीप सुरजेवाला भी उनके साथ मौजूद थे। वही नई यूनिवर्सिटी का नाम सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के नाम पर रखे जाने को लेकर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है। इसी के चलते भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीएम की जींद रैली में काले झंडे दिखाने के लिए रवाना हुए, लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के आधा दर्जन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल नींव रखने के साथ ही जींद में बनने वाला विश्वविद्यालय विवादों में घिर गया है। अब भाजपा इस मुद्दे को लेकर आगे क्या रुख अपनाती है, ये देखना होगा। जींद से राजकुमार गोयल के साथ गौरव चक्रवर्ती, DNI News। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज हरियाणा समेत कई राज्यों के सांसदों ने नाश्ते पर मुलाकात की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में पीएम मोदी ने सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास स्थान RCR में सुबह 5 राज्यों के सांसदों को नाश्ते पर बुलाया। सुबह के नाश्ते पर हुई बातचीत में आने वाले विधानसभा चुनावों पर जोर देने पर चर्चा हुई। हरियाणा में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में पीएम मोदी ने सभी सांसदों को जनता के बीच रहने के निर्देश दिए हैं। सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक के मुताबिक यह एक औपचारिक मुलाकात थी, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव पर ध्यान देने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी से हमने सारे सातों सांसदों में मुलाकात हुई, ब्रेकफास्ट वहीं था और प्रधानमंत्री जी ने हमारा सबका इंट्रोडक्शन भी हुआ और एक ही ड्यूट लगाई है कि जो अब ये चुनाव है, इस चुनाव में बहुत मेहनत करनी है और करना है, इसके लिए ही मुख्य रूप से ये थी। और हमें लोगों में रहना है, लोगों में काम करना है और अपने हलकों में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना। हरियाणा में होने वाले 90 विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी को काफी मशक्कत करनी है। यही वजह है कि पार्टी के नए अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में सारी रणनीति बनाई जा रही है। अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया के मुताबिक जल्द ही पीएम मोदी की हरियाणा में विजय रैली होगी और ये रैली प्रदेश की सबसे बड़ी रैली साबित होगी। इस बैठक के अंदर जब एक चर्चा होने वाले चुनाव के ऊपर भी आई कि हरियाणा प्रदेश और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी इन पांचों राज्यों के सभी सांसदों को ये कहा है कि मैक्सिमम टाइम जो है आप इन चुनाव क्षेत्रों में दें, ताकि जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में पार्टी को एक भारी बहुमत मिला है, इन राज्यों के अंदर भी अपनी सरकार बने, इस प्रकार का माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है। सूत्रों के माने तो पीएम के पास SYL और हाल ही में बनी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में प्रदेश की तरफ से सारी जानकारी दे दी गई है, जिसके चलते गृह मंत्रालय ने इस मसले पर पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता करने की हिदायत दी है। वहीं सांसद कटारिया के मुताबिक इस हालत की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार है। जो SGPC का मसला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है और राज्य के चुनावी माहौल को बिगाड़ते हुए ही ये कदम जो है राज्य सरकार ने अपनी अष्टधर्मतता के अंतर्गत उठाया है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है, वो अपना स्टैंड पुराना ही है कि जो SGPC है वो एक सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत बनी है और हम किसी जाति विशेष के जो धार्मिक मामले हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी दखल देना नहीं चाहती। बहरहाल केंद्र सरकार के सामने नई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुद्दे को सुलझाना एक बड़ी चुनौती है, तो वहीं BJP के संसदीय दल बोर्ड ने गठबंधन पर फैसला लेना है जो आने वाले दिनों में पार्टी का भविष्य तय करेगी। दिल्ली से राहुल शर्मा के साथ मनोज राठी, DNI News। चंडीगढ़ पुलिस की वर्दी एक बार फिर दागदार हुई है। चंडीगढ़ पुलिस में तैनात एक कांस्टेबल ने ताबड़तोड़ फायर कर अपनी पत्नी, राहगीर महिला और खुद को गोली मारकर घायल कर लिया, जिसके बाद तीनों को सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने कांस्टेबल की पत्नी को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। सारा वाकया
चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल के पास घटित हुआ। वहीं पुलिस ने कांस्टेबल आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डिंपल के परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं कि 2004 में अनंत की शादी उनकी लड़की डिंपल से हुई थी। अनंत चंडीगढ़ पुलिस में बतौर कांस्टेबल कार्यरत है। शुरू से ही अनंत दहेज और शक के चलते डिंपल को मारता पीटता था। घरेलू लड़ाई की वजह से दोनों अलग रह रहे थे। डिंपल सेक्टर 16 अस्पताल में बतौर हेल्पर काम करती थी। आज सुबह आनंद ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से डिंपल पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने उसको टॉर्चर करता, 10 सालों से मारता कूटता। इतनी श्री मेरी बहन उसके डिपार्टमेंट में पूछो जाके, कोई कार्रवाई इसको चुप कभी नहीं बुलाया हमारे सामने कि उनका वर्कर है पुलिस में। वो 24 ट्रैक्टर के थाने में गोली लेके मेरी सिस्टर को डराता, उन्होंने लाइट ली हर चीज को। उसके बाद में फिर लड़की को ना मारा, लड़की का मुंह सूज रहा हमारे पास आई, हमने मोबाइल सेल में गए, पंचायत में गए, फिर भी हमने कंप्रोमाइज करा दिया है। चलो भाई मोबाइल सेल में कंप्रोमाइज मान गए, फिर तिबारा फिर मारा, मैं गया समझाने मेरे यहाँ ग्वालियर तक गया। आज ये ड्यूटी कर रही थी छोरी, दो तीन दफे यहाँ आया ड्यूटी पे। वहीं डीएसपी आशीष कपूर का कहना है कि कांस्टेबल ने अस्पताल परिसर में फायरिंग कर अपनी पत्नी डिंपल और खुद को गोली मारी है, जिसमें दोनों घायल हुए थे। उपचार के दौरान डॉक्टरों ने डिंपल को मृत घोषित कर दिया है। इस फायरिंग में राहगीर महिला को भी गोली लगी है, वह भी अस्पताल में भर्ती है, उपचार चल रहा है। दोनों में पारिवारिक कलह चल रही थी। कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, उसकी पिस्टल को भी रिकवर कर लिया गया है। करीब 10:30 बजे हमें इत्तला मिली थी गोली चलने की, जिसमें कि एक सिक्योरिटी ब्रांच का मुलाजिम था, उसका अपनी वाइफ का झगड़ा चल रहा था, तो उसके चलते उसने उसमें फायर कर दिए और उसने खुद को भी गोली मार ली है। तो उसकी वाइफ को 3 गोली लगी है, काफ़ी सीरियस है, और जो साथ वाली लेडी थी एक पासर बाई थी उसको भी गोली लगी है और इसने खुद को भी गोली मारी है। इसको तुरंत पुलिस ने कब्जे में कर लिया, वेपन कब्जे में ले लिया है, अब जो अगली कार्रवाई पुलिस अमल में ला रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अनंत की पत्नी डिंपल इसी अस्पताल में बतौर हेल्पर काम करती थी। दोनों में काफी समय से पारिवारिक कलह चल रहा था। अस्पताल में डिंपल के परिजनों ने जमकर विवाद किया और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए हैं। घरेलू क्लेश के चलते एक चंडीगढ़ पुलिस में तैनात अनंत नाम के कांस्टेबल ने पहले खुद को गोली मारी और उसके बाद अपनी पत्नी पर गोली ताक दी। वहीं से साथ में जा रही एक लेडीज को भी गोली लगी है, जिसमें तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में ये कोई पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी वारदातें जो है हो चुकी हैं। चंडीगढ़ पुलिस और पहले भी कई बार बदनाम हो चुकी है। आज जो सुबह 11 बजे का वाक़ है, चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित ये वाक़ है, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस में तैनात अनंत नाम के कांस्टेबल ने अपनी घरेलू कलेश के चलते जो है अपनी पत्नी को गोली मारी है। आखिरी में आज जो है कांस्टेबल आनंद ने अपनी बीवी को जो है गोली मार दी, जिसमें तीनों लोग जो है गंभीर रूप से घायल है। हालांकि पुलिस का दावा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और छानबीन जो है वो जारी है। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत बालिकाओं, अक्षम वर्ग और जरूरतमंदों के लिए बैंकिंग सेक्टर में एक नई शुरुआत की है। इस वर्ग की मदद के लिए बैंकों ने खाता खोलने, पैसे के लिए ट्रांजेक्शन में अपनी ओर से एक राशि देने की शुरुआत की है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का कहना है कि उसकी इस कोशिश से एक तबके के प्रति जिम्मेदारी निभा रही एजेंसियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली के नेटवर्क कार्यालय में इस मौके पर 25 नई शाखाएं भी खोली गईं। ये शाखाएं चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में खोली गई हैं। इस मौके पर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एस रमेश रंगन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जोनल प्रबंधकों से बातचीत कर उन्हें बधाई दी। फोकस एरिया जो जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारा एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिटेल बिजनेस, रिटेल एडवांसेस, रिटेल डिपॉजिट और जो पुअर एंड नीडी अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनके सबके अकाउंट खोलना और उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करना। जहाँ तक आज की 25 ब्रांचेस का सवाल है, आज हमने 25 ब्रांचेस के थ्रू साल के बिगनिंग, ताकि लोगों को इनिशिएटिव लेके रिसोर्सफुलनेस से जल्दी से काम करें और उसका बैंक को
बिजनेस का इस साल में फायदा मिले, इसलिए ये प्रेशर हुआ और हमने एक बार 25 ब्रांचेस खोली। हम लोग रेगुलरली टच में रहते हैं, इंस्टीट्यूशन को भी बोलते हैं कि अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए तो हम उसमें हेल्प करते हैं। भारतीय सेना 1999 में कश्मीर के द्रास और करगिल के पहाड़ों पर भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध यानी ऑपरेशन विजय की 15वीं वर्षगांठ मना रही है। इस उपलक्ष्य में 26 जुलाई को करगिल वॉर मेमोरियल में विशेष आयोजन होंगे। ये दिन है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये दिन उन महान और वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने अपना आज हमारे आने वाले सुखद कल के लिए बलिदान कर दिया। करगिल युद्ध में हमारे लगभग 500 से ज्यादा वीर योद्धा शहीद हुए थे और 1300 से ज्यादा घायल हो गए थे। इनमें से ज्यादातर वे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जवानी के 30 साल भी नहीं देखे थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य और बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर जवान तिरंगे के सामने लेता है। तो हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीएनआई न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।